हेलो, आई एम खालिद बिन अमीर फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल। आई स्कोर्ड 617 मार्क्स इन नीट 2021 विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 12,343। दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। आई एम वेरी थैंकफुल टू सचिन कपूर सर एंड लॉट ऑफ अदर्स टीचर। हमको अभी भी याद है कि सचिन कपूर सर का वो पहला लेक्चर था एनिमल टिश्यू वाला ऑन यूट्यूब। जब हम पहली बार देखा, मतलब इतना अच्छा से इतना डेप्थ में पढ़ाया हुआ था लेक्चर कि मतलब माई इंटरेस्ट टुवर्ड बायोलॉजी इंक्रीज अ लॉट। और नीट तो लिया ही था, तो फिर धीरे धीरे पढ़ते 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 हर दिन सर का लेक्चर देखना, सॉल्व करना, क्वेश्चन वोश्चन करते करते एकदम मतलब नीट का टारगेट धीरे धीरे लग रहा था कि नीट हो जाएगा हमसे। अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो 11th 10th के एग्ज़ाम के बाद नीट का पढ़ाई करने हम रेजिडेंशियल कोचिंग में चले गए थे बैंगलोर। 4 महीना वहाँ रहे, कुछ मतलब अच्छा से कुछ हुआ नहीं। उसी टाइम हमको सचिन कपूर सर का लेक्चर शुरू हुआ था, उसी टाइम तो मिला सचिन कपूर सर। वहाँ से फिर हम फॉलो करते गए, वापस आके अपने कोलकाता आ गए वापस। फिर वहाँ से फॉलो करते गए, करते 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 धीरे धीरे अच्छा चल रहा था पढ़ाई। 11th मतलब 11th में थोड़ा बहुत बैकलॉग भी था और सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका था जूलॉजी का सचिन कपूर सर की वजह से, और प्लांट फिजियोलॉजी छुआ भी नहीं था। बाकी फिर 11th ख़त्म हुआ, फिर कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद घर पे थे, अकेले बैठे बैठे कुछ और करना था नहीं, तो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई 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 से पढ़ाई। हमको याद है अभी भी, मतलब उस टाइम लॉकडाउन में बैठे बैठे हम रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे सचिन कपूर सर से। फिर बहुत सारा बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी कर ही रहे थे। फिर लॉकडाउन चलता गया, 12th में आ गया, 12th का प्रिपरेशन भी चल रहा था सचिन कपूर सर के लेक्चर से देख रहे थे, और बाकी बहुत सारा भी अदर अदर मैटर से यूट्यूब पे थे, मेनली यूट्यूब से किए। फिर उसके बाद रात सुबह में लेक्चर देखना, रात में क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर पेपर सॉल्व करना, ऐसे ऐसे करते करते मेरा प्रिपरेशन का लगभग एंड आ गया। और एंड में फिर यूट्यूब से, फिर भी यूट्यूब से, उस टाइम भी यूट्यूब से चल रहा था। यूट्यूब में क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन सीरीज देखना, बहुत सारा अलग अलग तरह का पेपर सॉल्व करना, वो सब करते करते फिर आया टाइम कि मेरा नीट का एग्ज़ाम होने वाला था। नीट का एग्ज़ाम होने से पहले थोड़ा तो डर लग ही रहा था कि क्या होगा, मतलब इतना मेहनत किया है, होगा नहीं होगा, थोड़ा बहुत डर तो था ऑफकोर्स दिल में। फिर गए 13 तारीख, 12 सितंबर के दिन था, एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में बैठे, तब तो 2 घंटे पहले ही बुला लिया, बैठे हुए थे एग्ज़ाम सेंटर पे, कंफर्टेबली आराम से बैठे हुए थे। पेपर आया 2 बजे, इतना इतना ज़्यादा उम्मीद था कि अच्छा एग्ज़ाम जाना चाहिए, तैयारी तो फुल फुल था पूरा। मॉक टेस्ट में लगभग 620 630 ही आ रहा था, तो बैठे पेपर देना शुरू किया, बायो से शुरू शुरू किया। बायो तो लगा एकदम आसान है, फिर केमिस्ट्री पे गए, केमिस्ट्री हल्का बहुत हमको लगा, 2 4 सवाल नहीं बन पाएगा, फिर मतलब सॉल्व कीजिए तो सवाल हुआ उसका। फिर बायो फिजिक्स में गए, फिर फिजिक्स में तो काफ़ी सवाल सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत हो गया। फिजिक्स में बायो एक दो सवाल फिजिक्स में गलत हुआ, एक सवाल बायो में गलत हुआ, सिली मिस्टेक्स ऑफ कोर्स। और फिर उसके बाद आ गए घर आराम से, लग तो रहा था कि सिलेक्शन ऑफ कोर्स हो जाएगा, लग रहा था 620 आ जाएगा, 625 आ जाएगा, लेकिन फिर 2 4 सवाल में डाउट था, लेकिन फिर वो सब सवाल भी मतलब तो अगेंस्ट चले गया, तो था 2 7 सवाल। उसके बाद फिर हम ला गए, वापस आने के बाद आंसर की निकला, आंसर की में 612 था उस टाइम, 612 आ रहा था। तो देखा को कि क्या 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 गलत हुआ है, वही सीरी मिस्टेक्स वाला सब गलत हो गया था। 612 आ रहा था, फिर रिजल्ट आया एक दिन, रिजल्ट आया ना, रिजल्ट आने से पहले इतना ये हुआ चिल्ला चिल्ला, फिर जब रिजल्ट आया तो 617 मिला, 12,000 रैंक आया। मतलब रैंक तो मतलब थोड़ा ज़्यादा आ गया, इतना नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है। और उसके बाद फिर अब एडमिशन हो जाएगा अच्छा कॉलेज में इंशाल्लाह, देखते हैं, जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड, लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व द कंट्री। थैंक्स अ लॉट टू ऑल माई टीचर्स।